हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट सूडान। सो आज की जो वीडियो रहेगी आईपीएच डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगी। पर वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो बात करते हैं आज की नोटिफिकेशन की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जल शक्ति विभाग पद्धर में 60 पदों को आवेदन भरने के लिए मांगे आवेदन। ये जो नोटिफिकेशन है, वैसे तो ये 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी, पर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं भरे तो ये उनके लिए है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। और ये जो है ऑफलाइन जो है इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 4 अगस्त से स्टार्ट थी और 18 अगस्त की शाम 5 बजे तक आपके आवेदन मतलब तब तक ही आप आवेदन भर सकते हैं। ये अगर बात करें कि कौन कौन से वैकेंसी निकली है इसमें, तो इसमें पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और बाकी जो भी श्रमिक पद हैं उनके लिए जो है ये उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 60 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी रहेगी। साथ में इन्होंने कहा है कि जब भी आप इस फॉर्म को, एक फॉर्म है इनकी साइट पे दिया होगा, यह फॉर्म फिल करके जो है आपको जो पद्धर जल शक्ति विभाग है वहाँ पे ये सबमिट करवाना है। इसमें अगर बात करेंगे हम जो हमारे टोटल 60 में से जो इसमें से जो है 18 जो है पंप ऑपरेटर है, 12 फिटर है और जो श्रमिक जो हेल्पर वगैरह वो 30 जो है इसके बाकी उनके पद हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी वगैरह क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगी हो, तो 10वीं पास या फिर आईटीआई की होनी चाहिए आपने। पैराफिटर के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक वगैरह सबके लिए अलग अलग से बताई गई है इन्होंने, ठीक है। आईटीआई भी यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो सहायक की है वो 8वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष जो है इन्होंने आयु सीमा जो है यहाँ पे मांगी हुई है। बाकी अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, तो जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे मांगे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, खुद के साइन उसमें होने चाहिए फोटोकॉपी में। बाकी अगर बात करेंगे पैराफिटर के लिए कौन से मांगे हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए, वर्कर के लिए कौन से मांगे, तो बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट और 10th का जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा वो, आईटीआई का जो भी डिप्लोमा वगैरह आपका सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ ऑफ एज, बीपीएल सर्टिफिकेट मांगा है और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो भी यहाँ पे जो है ये फिटर के लिए मांगा। मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम हिमाचली बोनाफाइड चाहिए, जो 10th का सर्टिफिकेट है वो, या मिडल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एज चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बोला है कि आपको जो है 10 मार्क्स जो है दिए जाएंगे, जिसमें आपको अगर बात करें यहाँ पे कि परसेंटेज आपकी 8th में जो भी परसेंटेज रहेगी उसमें 5 मार्क्स और अगर मल्टीपर्पज़ में 6, और अगर आप बीपीएल परिवार से हो तो आपको 1 मार्क्स जो मिलेगा पैरा में भी और पैरा पंप ऑपरेटर में भी और फीटर में भी, बाकी मल्टीपर्पज़ में आपको नंबर नहीं मिलेगा। देन एक्सपीरियंस पूछा होगा तो एक्सपीरियंस वालों को 2-2 नंबर जो है हर फील्ड में जो है दिए जाएंगे। और साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा एक और फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे भी ग्राउंड वगैरह में जो भी वो फिजिकल टेस्ट लेंगे तो वो होगा, उसके भी आपको 2-2 मार्क्स जो है वो लगेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। जिसने भी अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि अब टाइम जो है 1 हफ्ते का ही बचा है, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर दें। थैंक यू गाइस।